हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलबाज ब्लॉग्स में। गाइस, आज संडे है और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित सेंट्रल पार्क को। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अब बारखंबा रोड, जो कनॉट प्लेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल पहुंच चुके हैं हम। अब इसके बाद आगे इसका यहाँ से जैसे ही राइट लेंगे, यहाँ पर हमारा इनर सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे शोरूम है यहाँ पर, सैंडोज देख रहे हैं आप सामने। इसके अलावा यहाँ पर बार्स वगैरह भी हैं, सोनी सेंटर, एडिडास, प्यूमा, काफ़ी सारे शोरूम है यहाँ पर, इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमने आपको टूर कराया था कनॉट प्लेस के इनर सर्कल का, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स थे वहाँ पर। आपको हमने एक एक ब्रांड्स के बारे में डिटेल में भी बताया था। काफ़ी भीड़ होती है संडे को, और आज भी संडे ही है, तो देखते हैं आज सेंट्रल पार्क में कितनी भीड़ है। तो गाइस, पहले मैं अपनी स्कूटी पार्क में लगा लूं। पार्किंग ज़्यादा दूर नहीं है, इनर सर्कल में ही पार्किंग है, काफ़ी सारी पार्किंग है यहाँ पर, और 20 रुपीज़ पर आवर यहाँ पर पार्किंग का कॉस्ट है। चलिए तो अब एंटर करते हैं हम सेंट्रल पार्क में। ये गेट नंबर 1 है गाइस। तो इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि अभी विंटर चल रहा है, ये ख़त्म होने वाला है विंटर, तो इसकी विंटर में जो टाइमिंग होती है 7 AM to 8 PM, और समर में जो टाइमिंग है वो 6 AM to 8 PM। एक्चुअली ये 3 साल तक बंद था लॉकडाउन में, उसके बाद ये खुला है, खुले हुए भी एक साल के करीब हो गया है इसे। तो गाइज, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचे। आप यहाँ पर मेट्रो से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल जस्ट सामने ही है, और ये कनॉट प्लेस के बीचों बीच है। और गाइज, ये जो झंडा नहीं लगा हुआ यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जो बड़ा सा पोल था, इस पोल में झंडा नहीं लगा हुआ आज, वैसे झंडा लगा रहता है। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, आज भी काफ़ी भीड़ है। और एक्चुअली में ये कपल पार्क बन चुका है अब तो, संडे को या फिर आम दिनों में भी मोस्टली कपल ही यहाँ पर विजिट करते हैं, और घूमने वाले भी आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मोस्टली कल्चर प्रोग्राम्स, इवेंट्स, न्यूज़ डिबेट, पॉलिटिकल मीट, यूट्यूबर अपना व्लॉग्स बनाते हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं, इंस्टा रील्स बनाते हैं, म्यूज़िक शोज़ होते हैं यहाँ पर, डांस होता है, नुक्कड़ नाटक। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि एक सेंटर में एक स्टेज बना हुआ है, वहाँ पर ये सारे परफॉर्मेंस होते हैं, देख सकते हैं वीडियो में आप। काफ़ी सारे लोग घूमने आए हुए हैं और कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ बना रहे हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी भीड़ लगी हुई है, तो ये इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले लोग हैं। और जैसे देखें आप, ओ भाई वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। गाइज, मैं आपको म्यूज़िक नहीं सुना सकता कॉपीराइट्स की वजह से, लेकिन मज़ा आ रहा भाई साहब, बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या अदाएँ इसकी, वाह भाई वाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर जो डांस करते हैं, हिप हॉप करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, आसानी से आप फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, कपल्स के, अगर कपल हैं तो और ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है यहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर मोदी जी का पोस्टर लगा है, लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पर। हम एक्चुअली में जो पहुँचे हैं वो यहाँ पर 3 बजे करीब पहुँचे हैं, मौसम ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। तो चलिए नीचे उतर के देखते हैं जो स्टेज, जो मैं बता रहा था आपको कि स्टेज भी है यहाँ पर बीच में। देखें ये बीच में स्टेज कैसे वो फ्लाई कर रहा है लड़का, काफ़ी सुंदर जगह है ये, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं,
फ्लावर्स वगैरह जो लगा रखे हैं, हैंग कर रखे हैं उन्होंने। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब इसकी ओपनिंग हुई थी फर्स्ट टाइम तब मैं आया था, तब तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा एक बात आपको बताऊं, यहाँ के जो फाउंटेंस है ना उसकी भी टाइमिंग है। फाउंटेंस का जो टाइमिंग है वो विंटर में 11 AM to 1 PM और शाम में फिर 5:30 to 7 PM, और समर में जो होता है वो 11 AM to 12 PM और फिर इवनिंग में 6:30 PM to 8 PM। देखें यहाँ कैसी भीड़ हो रही है, लोग यहाँ पर टी शर्ट उतार करके डांस करते हैं। देखें यहाँ पर ये कैसा हो रहा है, यहाँ पर बीच में हिप हॉप डांस चल रहा है, जो सबने घेर रखा है ना यहाँ पर बीच में हिप हॉप डांस हो रहा है। म्यूज़िक बहुत लाउड है लेकिन मैं सुना नहीं सकता, मैंने इसको म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू आ सकता है। यहाँ पर खिलौने वाले भी अंदर आते हैं बेचने के लिए, या कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, जैसे कि भेलपूरी या फिर कुछ पापड़ वगैरह मिल जाता है। आप भूखे नहीं रह सकते, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए मिल सकता है। देखिए बीच में कैसे हिप हॉप डांस चल रहा है, यहाँ पर सब उसकी वीडियोस बना रहे हैं। देखिए कैसे अपना टी शर्ट्स वगैरह शर्ट वो उतार करके वीडियोस बना रहे थे ये, अभी उन्होंने पैक कर लिया अपना। गाइस बहुत ही हैपनिंग जगह है, आपको मज़ा आएगा यहाँ पर। ओ भाई यहाँ तो हिप हॉप चल रहा है, वाह भाई वाह, छपरी लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, छोड़ दें छपरी लोगों को। गाइस तो इस तरह से ये चारों तरफ से ऐसा स्लोप जैसा बना हुआ है, यहाँ पर लोग आकर बैठकर स्टेज शो वगैरह म्यूजिक वगैरह सुनते हैं। कभी कभी स्टेज शो भी होता है यहाँ पर, डिबेट्स भी होती हैं पॉलिटिकल। कई बार आपने कई नेताओं को भी यहाँ पर वीडियो में न्यूज़ में देखा होगा। काफ़ी हैपनिंग जगह है, आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। और वैसे आम दिनों में आएंगे तो यहाँ पर कपल्स ज़्यादा मिलते हैं, आज तो संडे है और भीड़ भी हो रही है। आज फाउंटेंस नहीं चल रहा है, लेकिन फाउंटेन जो चलता है मैंने आपको टाइमिंग बताई है उसी टाइम पर चलता है। देख कैसे लोग बैठे हुए हैं साइडों में, बट फाउंटेन्स बंद है अभी। काफ़ी प्यारी जगह है, अगर आप दिल्ली आए तो ज़रूर घूमने आए यहाँ पर, दिल्ली का दिल कहा जाता है इसे। और वो भी दिल में भी ये सेंटर में है। तो गाइज मैं अब बाहर निकल रहा हूँ, तो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसी वीडियो बनाकर और भी ला सकें। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहेगी, हमारे शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे। तो गाइज़ कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो। थैंक यू सो मच।